हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 33 लेकर आए हैं। तो आज है रचनात्मक लेखन आपका, तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी बेहतर तरीके से अटैच कर रखा है, तो आप पहले इसे समझें, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन आप लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है और आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से आदि। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में छिपे हैं और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं, जिसे आप अपनी अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो एक अनुच्छेद लिखना है, इस सप्ताह आपको कौन सा, तो आपको पता है हिंदी दिवस थे, तो हिंदी दिवस के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। और उसमें आपको इंक्लूड क्या करता, निबंध लेखन में वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुतलेख प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि, पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा की कीर्ति पुरस्कार। और सन 1949 में इस दिन यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 341 में वर्णित है। तो इन शब्दों के को मिला करके और आपको क्या करना है, इस हिंदी में क्या करना है, ये आपका हिंदी दिवस के ऊपर जो है ना, आपको प्रॉपर लिखना है। क्या करना है, लिखना है। तो इस पर मैंने लिखा है और आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप राइटिंग पसंद आएगी आपको। तो मैंने एक कोट से किया है। कोट से करने से क्या होता है, आपका राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोट से मैंने क्या किया, इसका स्टार्ट किया है। तो आइए इस कोट को हम देखते हैं। देखिए कोट क्या है, देश के कोने कोने में लगी भाषा की फुलवारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा हमारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा हमारी है। तो आइए इसे एक एक करके इस पे लिखते हैं। तो भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, इसमें हिंदी का स्थान ऊपर है। हिंदी दिवस भारत में हर 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी क्या है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से क्या है, एक है। और हिंदी एक बहुत ही अच्छी भाषा है और समृद्ध भाषा है और सरल भाषा है। और सरल होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। सरल होने के साथ साथ हिंदी क्या है, हमारी राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा भी है। और विश्व में हिंदी का स्थान तीसरा है। कितना नंबर है दोस्तों, विश्व में हिंदी का स्थान तीसरा है, थर्ड नंबर पे विश्व में हिंदी बोली जाती है। और हिंदी दिवस हिंदी भाषा की सुंदरता और हमारी समृद्ध अतीत की को याद दिलाता है। किसे याद दिलाता है, अतीत को याद दिलाने के लिए बनाया जाता है। अतीत मतलब हमारे जो बीते हुए, जो हमारे हिंदी का जो एक महत्व है हमारे जो इतिहास में, उसके संदर्भ में क्या करते हैं, हिंदी में हमारे बीते हुए अतीत के रूप में हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। वर्तमान समय में आज के युवा पीढ़ी, अभी के जो युवा पीढ़ी है, युवा यानी यंग जनरेशन को इस राजभाषा के महत्व को बताना इत्यादि मकसद से हर एक स्कूल शैक्षणिक संस्थान में हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949, ये वर्ड भी था, इसको मैंने इंक्लूड करके अटैच किया है, ठीक है। और भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने इस निर्णय को मंजूरी व प्रभावशाली हुआ, मतलब इस को मन जो है ना क्या किया, वर्किंग में आया ये भाषा। और भारत में 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस
मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए आपको यहां देखना क्या है, हिंदी भाषा को संविधान में 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया। 17 के अनुच्छेद कितने? 343 में वर्णित किया गया। आप हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो हिंदी है वो हमारा संविधान के जो 343 अनुच्छेद में, और अनुच्छेद 343 का पहला में वर्णित है। और वहाँ पे क्या वर्णित है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है हिंदी हमारी। ये इस संविधान 300 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बेहतर तरीके से समझिए और इस पे आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हिंदी दिवस के अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाती है। जैसे कि हिंदी दिवस में हर एक शैक्षणिक संस्थान, हर एक स्कूल और हर एक जो है ना गली मोहल्ले, हर जगह जो है ना भारत में क्या किया जाता है, इस पे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, हिंदी को के महत्व के ऊपर जो है ना क्या करते हैं लोग बोलते हैं कार्यक्रम इत्यादि। इस कार्यक्रम का मुख्य स्थान राजधानी दिल्ली में है। इस हिंदी दिवस का मुख्य स्थान कहाँ है? राजधानी दिल्ली में है, आयोजित होती है। और इस दौरान हिंदी लेखन कवि का व कलाकारी, जैसे इसके दौरान जब हिंदी दिवस पे राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होती है, तो क्या होता है, इसमें जो लेखक कलाकार जो है ना, कवि, जो हास्य कवि सब होते हैं, वो सब शामिल होते हैं और लोग इस सम्मेलन में भाग लेकर के हिंदी के महत्व को और हिंदी की जो मतलब परंपरा जो चल रही है, हिंदी हमारी जो भाषा राजभाषा है, उसको क्या किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की बातें की जाती है हमारे, किसके द्वारा? कवि के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। ठीक है, और हिंदी एक हमारी क्या है, राजभाषा है। अब देखिए हमारे देश में आज हिंदी को कम महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी को हमारे देश में कम महत्व क्यों दिया जाता है? और विश्व में बोली जाने वाली अंग्रेजी को अपनाकर अपने हिंदी भाषा को जो मान नहीं सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, हिंदी भाषा को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों ये मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हिंदी हमारे देश की लैंग्वेज है हमारे, बट ये जो है ना, अगर हम मान सम्मान नहीं देते तो हमें देना चाहिए हिंदी को। ठीक है, अब देखिए भारत में हिंदी देश की भाषा होनी चाहिए, लेकिन हिंदी की बिंदी अपने देश मतलब अपने घर में ही पराई हो गई है। अर्थात हिंदी की जो बिंदी है दोस्तों, वो अपने ही घर में पराई हो चुकी है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि का आधार है। हिंदी भाषा क्या है? हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो है ना, इस सबका क्या है, आधार माना जा रहा है, इत्यादि का आधार है। इसीलिए हिंदी को हमें सम्मान करना, पढ़ने, लिखने एवं बोलने आना चाहिए। और तब तक ये क्या है दोस्तों, तब तक हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। कब? जब हम हिंदी भाषा को क्या करेंगे, महत्व देंगे। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि हिंदी दिवस पहले हो चुकी है, लेकिन फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि ये वर्कशीट आपका हिंदी दिवस पे है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।